सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सरिता है और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कि स्कूटी पे दोनों पैर रख के कैसे चला जाए। मैंने कुछ कुछ पार्ट्स में वीडियो अपलोड की है कि डायरेक्ट स्कूटी को चलाए ना, पहले स्कूटी को संभालना कैसे सीखे, बैलेंस कैसे सीखे, देन उसके बाद एक्सीलेटर दे के स्कूटी को कैसे पैर ऊपर रख के चलाया जाए, राइट। तो कभी भी स्कूटी पे डायरेक्ट बैठ कर स्कूटी को चलाए ना, पहले स्कूटी को संभालना सीखे। तो आइए सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहली चीज़, राइट, जब भी आप बैठे स्कूटी पे, किसी को बैठाए या फिर उतरे, तो दोनों ही आपको स्कूटी में ब्रेक्स हैं वो होल्ड करनी है, ठीक है, और सेम एज इट इज़ बैठना है, ठीक। देन आपको स्टैंड हटाना, स्टैंड कैसे हटाना है, पंजों से हटाना है, इसे पीछे करना है, ठीक है। निकालेंगे कैसे, जस्ट पैर ऊपर करेंगे और हील इनसाइड करेंगे तो ये आपसे मिल जाएगा। आपको पंजों से पीछे करना है, देन पैरों को ओपन करना है, ब्रेक होल्ड करना है। तीन चीज़ें बहुत मेन है स्कूटी में। सबसे पहले है आपका आइस कॉन्टैक्ट, सामने देखिए, देन आपका स्टैंड हैंडल सीधा रखिए और है, देन उसके बाद एक्सीलेटर। पहले हम सीखेंगे स्कूटी को संभालना। सो पहले ब्रेक दबाइए, सामने देखना है, दोनों पैरों को ओपन करना है और जस्ट हल्का हल्का राइट स्कूटी के साथ लेफ्ट, हल्का हल्का राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, बस धीरे धीरे, पैर नीचे ही रखना है, हवा में नहीं रखें, राइट। जब आप थोड़ा सा कम्फर्ट हो जाएंगे, मेन है कम्फर्ट बनाना, आराम से बैठिए, कंफर्ट बनाइए, राइट लेफ्ट करते रहिए, ठीक है। देन उसके बाद थोड़ा सा और बेंड करना है स्कूटी को, झुका कर ज़्यादा देर नहीं रखना, सिर्फ एक्टिविटी को अच्छे तरीके से करते रहना है, राइट लेफ्ट, और एक्टिविटी करते हुए नीचे नहीं देखना, सामने देखना है, ठीक है, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा थक जाएँ तो स्टैंड निकाल सकते हैं, पैर इनसाइड कीजिए और निकाल दीजिए स्टैंड और उसको रख सकते, ठीक है। ये एक्टिविटी को करते रहिए 15 से 20 मिनट, इस एक्टिविटी को आपको करते रहना है। फिर हम सीखेंगे स्कूटी का बैलेंस, स्कूटी पे बैलेंस कैसे बनाए। ब्रेक होल्ड करना है, सीधा करना है स्कूटी को, स्टैंड हटाना है और अब आपको आराम से बैठ के जस्ट पैरों को अप एंड डाउन करना है बैलेंस के लिए, लाइक दिस, अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन, अगेन अप एंड डाउन। जल्दी ना करना है, आराम से करिए और प्रॉपर तरीके से कीजिए, अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन। ध्यान रखिए कि पूरा अप करना है और एक साथ ऊपर एक साथ नीचे, टच ना करें स्कूटी को, ठीक है, ऐसे बॉडी को टच ना करें, ऐसे टच ना करें, लग जाएगी आपको। आराम से बैठो और लाइक दिस, ये अप एंड डाउन, ठीक है। तो ये हो गया स्कूटी का बैलेंस और वेट। मिनिमम आप आधा घंटा दोनों एक्सरसाइज को अच्छे से कीजिए ताकि आप किसी के सपोर्ट के बिना आप स्कूटी को संभालना भी सीख जाएँ और इस पर इसको बैलेंस करना भी सीख जाए। तो चलिए अब हम सीखते हैं स्कूटी के थोड़े फीचर्स, इस स्कूटी में क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। सो ये की है, ठीक है, इसको कैसे होल्ड करना है, आपको लेफ्ट में थंब रहेगा आपका, राइट में इसका, राइट में फिंगर रखनी है। कई बार स्कूटी में जो की है इसका की कवर लॉक होता है तो आपको पता नहीं लगेगा कि इसको इनसाइड कहाँ करना है, डालना किधर है, तो आपको इसका यूज़ करते हुए इसको पहले लॉक खोलना है, देन आपको चाबी इंसर्ट करनी है, राइट। देन उसके बाद आप देखेंगे कि अभी हैंडल फ्री है, अब जब आप कहीं भी इसको पार्क करते हैं, खड़ी करते हैं, आप इसको हैंडल को लॉक कर सकते हैं, कैसे, वन साइडेड इसको लॉक करना है हैंडल को पहले और चाबी इसको लेफ्ट साइड घुमानी है। तो ये आप देखेंगे कि हैंडल लॉक हो गया, चाहे आप इसको इस साइड कीजिए, चाहे आप इसको साइड करके लॉक कर सकते हैं हैंडल, फिर इसको राइट साइड करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, फ्री हो जाएगी, राइट। अब आप इसको राइट साइड करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी और यहीं से ये ऑन और ऑफ होती है, ऑफ हो गई, ये ऑन हो गई, ठीक है। तो स्कूटी को स्टार्ट करने के दो तरीके हैं, एक सेल्फ हो गया और एक किक हो गया। देन ये आपका एक्सीलेटर है जिससे पूरी स्कूटी आपकी इसी से चलती है, जब आप इसको अपनी साइड खींचेंगे तो ये चलेगी, इस साइड करेंगे तो ये बंद होगी, इस साइड करेंगे तो चलेगी, इस साइड करेंगे तो बंद होगी, ठीक है। देन उसके बाद स्कूटी में दोनों ही ब्रेक्स हैं, ये आपके आगे की टायर का ब्रेक है, ये आपके पीछे का टायर का ब्रेक है। हम हमेशा इस ब्रेक का यूज़ करते हैं, बहुत ही रेयर इसका इमरजेंसी टाइप में यूज़ होता है, ठीक है, इसका हमेशा यूज़ करते हैं। देन उसके बाद अगर हमें यूज़ करना है इसको तो इसके यूज़ करने के बाद इसका यूज़ होगा, ये आगे का टायर का ब्रेक है। देन उसके बाद आप चलाने लगेंगे तो ये हॉर्न थंब से इसको ऑपरेट करते हैं। देन ये इंडिकेशन है, इंडिकेटर है, लेफ्ट के लिए लेफ्ट, राइट जाना है तो राइट, लेफ्ट के लिए लेफ्ट, राइट जाना है तो राइट, बंद करने के लिए पुश, बंद करने के लिए पुश करेंगे, ध्यान रखिए। और ये उसके बाद लाइट्स हैं, ये आपकी नाइट्स के लिए काम आती है, ठीक है। चलिए सो हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, अभी आपको पैर ऊपर नहीं रखने, एक्सीलेटर का कैसे यूज़ रहेगा वो आपको देखना है, चाबी आपने ऑन कर दी है, ब्रेक पे आपको हाथ रखना है, ब्रेक प्रेस नहीं करना, दबाना नहीं है, ब्रेक पे हाथ रखना है और आपको स्कूटी स्टार्ट करनी है। जुपिटर है ये, कभी विदाउट ब्रेक भी स्टार्ट होती है, कभी ब्रेक दबा कर भी,
तो इसके जो अपर मॉडल है एक्टिवा वो हमेशा ब्रेक दबाकर स्टार्ट होता है, तो आप इसको ब्रेक दबा सकते हैं और इसको स्टार्ट कीजिए। अगर गाड़ी में साउंड आ रहा है तो गाड़ी स्टार्ट है, ऑफ ही यहीं से होगी, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर गाड़ी में स्टार्ट साउंड आ रहा है तो इट मीन्स वो स्टार्ट है। राइट साइड करना है, ब्रेक होल्ड करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। पैर नीचे रखना है, ब्रेक छोड़ना है। ब्रेक छोड़ना मतलब ब्रेक पे हाथ रखिए, ठीक है, पैरों को आगे रखिए, ब्रेक पे हाथ, और हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा एक्सीलेटर अपनी साइड पुल करेंगे, खींचना है इसको, ये बिल्कुल जैसे ही बंद हो जाए बंद करना है और ब्रेक लगाना है, ठीक है। अगेन देखिए, ब्रेक पे हाथ रखना है, हल्का सा रेस, पैरों का यूज़ वन बाय वन, और ब्रेक और रेस बंद और ब्रेक। पैरों का ध्यान रखिए कि पैरों का जो मूवमेंट है छोटे छोटे नहीं, लंबे लंबे स्टेप जैसे हम चलते हैं वैसे ही स्टेप में यूज़ होगा, ताकि आप स्कूटी को संभाल पाए, ठीक है। ब्रेक पे हाथ रखना है, हल्का सा एक्सीलेट देना है, और पैरों का यूज और ब्रेक बंद और ब्रेक, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप कीजिए, ठीक है। फिर हम इस स्टेप को बढ़ाएंगे जब आप रेस को समझ जाएंगे। ब्रेक पे हाथ रखना है, हल्का सा एक्सीलेट करना है, बिल्कुल धीरे से पैरों का मूवमेंट रहेगा, रेस बंद और ब्रेक, ठीक है। ब्रेक छोड़ेंगे, हल्का सा रेस बंद और ब्रेक, ठीक है। जब ये आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि रेस और ब्रेक का यूज़ कैसे होगा, तो इसी स्टेप को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कैसे, ब्रेक पे हाथ रखना है, हल्का सा रेस देना है, पैरों की मूवमेंट देखिए, लॉन्ग स्टेप रखना है, ये ध्यान रखिए ताकि आप स्कूटी को संभाल पाएंगे, और पैरों पर बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना, रेस के साथ पैरों और अपनी बॉडी को मैच करना है, ठीक है। पैरों पर प्रेशर ना डालना, ब्रेक पे हाथ रखना है, बस पैरों को रेस के साथ जाने दें, ब्रेक पे हाथ रखिए, रेस को दीजिए, पैरों का यूज करना है, और रेस बंद और, ठीक है, राइट। तो अब मैं आपको बता दूँ, जब आपका ये एक फ्लो बन जाएगा स्कूटी में, पैर नीचे रख के एक रेस आप दे पाएंगे, तब आप पैर ऊपर रख पाएंगे, ठीक है। कैसे, हल्का सा रेस देना है, पैरों का यूज कीजिए, रेस बंद करना है और ब्रेक, ठीक है। थोड़ा सा इधर, हल्का सा रेस, पैरों का रेस बंद करेंगे और ब्रेक, ठीक है। अब स्कूटी में आपको पैर कैसे रखना है, जब एक फ्लो बन जाए, थोड़ा सा और फ्लो बन जाए स्कूटी में, देन आपको पैर कैसे रखना है कि पहले पैरों का यूज़ करते हुए आपको आगे तक आना है, देन उसके बाद राइट लेग ऊपर, लेफ्ट लेग ऊपर, थोड़ी दूरी पर जाकर जो आप रोक रहे थे वैसे आपको रोकना है। कैसे, हल्का सा रेस देना है, पैरों को मूवमेंट रखना है, देन राइट लेग ऊपर और लेफ्ट लेग ऊपर, रेस बंद, रेस बंद रहेगी फिर ब्रेक लगानी है, ठीक है। एक बार और देखते हैं, यहाँ पर हाथ रखना है रेस पे, रेस देना है बराबर, रेस बराबर देनी है, रेस देने लगे पैर ऊपर और रेस बंद और ये करते रहेंगे तो फिर ये चलेंगे रेस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पैर ऊपर रख के कैसे चलाना है स्कूटी आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।